परिवार मुख्यमंत्री आपसे आजा आजा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए, आप बताइए चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते, अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है, अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये है सुरक्षा का मतलब, ये थोड़ी कि घर को परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ यहाँ से, सामान ले जाओ। देखो मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ आप पत्रकार साथी नहीं, कोई देखिए आर्थिक सहायता नहीं, ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद, इस परिवार की हम मदद करेंगे। और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करे। सर जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश और समाजवादी कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहां साफ-साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं नहीं, बदला बदली बात मत करो, बदले बात। देखिए सर ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है, और न्याय में संतुलन हो, थोड़ा साइड ही नीचे, न्याय में संतुलन हो ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई, पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या? वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो, इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर शिवपाल यादव जी कह रहे हैं जो अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को, कन्नौज से। अरे भाई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पत्रकार भाइयों उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा, किस नेता ने कहा कांग्रेस ने, किस नेता ने कहा है, किस नेता ने कहा कांग्रेस के, एक मिनट किस नेता ने कहा, नाम बताओ ना। अरे नेता को एक नाम बताओगे, नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं, कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश भी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, मजबूत उनको मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें, और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब मतलब वहाँ पे सर ठीक है भाई, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये कांग्रेस देखिए सर, ये अरे भाई वो हमने हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे, हमारे मंदिर में भी आना, जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था, चुनाव वाला सत्ता, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो यूपी में जो है आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहें? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी इस समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता किस नेता ने, इन पत्रकार साथी को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी, इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे कि आप उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं, ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई क्या मैंने कभी कहा? जो बात पटना में हुई होगी
जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी। हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा, नेटवर्क भी बीजेपी का होगा। इस परिवार की मदद कराइए। दो परिवारों को झगड़ा दो समाज में बांट दिया गया, बांट दिया गया। नहीं, कोई समाज में नहीं बटा, ये बीजेपी बांटना चाहती है। मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि जो समाज है वो समाज के जागरूक और समझदार लोग जानते हैं कि न्याय मिलने से ही समाज जुटेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बड़ी।